आपने संवेदना या असंवेदना शब्द बार बार सुना होगा। जब कोई कहीं कोई घटना घट जाती है तो हम कहते हैं कि यहाँ व्यक्ति संवेदनशील है या यहाँ इनकी संवेदना मर गई है। ये संवेदना में से अगर सम को हटा दें तो खाली वेदना रह जाता है। यानी वेदनाएं वो होती हैं जब कोई घटना घटती है शरीर के अंदर, जानवर में या मनुष्य के अंदर, और जो प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया के स्वरूप जो परिणाम आता है उसको वेदना कहते हैं। ये सब लोग महसूस करते हैं, सारे जानवर भी करते हैं। खुशी की वेदनाएं होती हैं, दुख की वेदनाएं होती हैं, असमंजस की वेदनाएं होती हैं, अपमान की वेदनाएं होती हैं, मान की वेदनाएं होती हैं, जो हमारे शरीर में लगातार निकलती रहती हैं और हमें महसूस कराती रहती हैं। ये जो वेदना है ये बहुत पुराना शब्द है, और जो पुराने लोग थे, काले लोग थे, वो इन वेदनाओं का वेद का अध्ययन किया करते थे। जो अध्ययन करते थे उसको जो संग्रहित करते थे और आपस में एक दूसरे को बताते थे, क्योंकि उस समय अक्षर तो थे नहीं, किताब नहीं थी, तो उसको उन्होंने सामवेद कहा। सामवेद का मतलब है, साम माने होता है पाली के अंदर काला, और वेद माने होता है जो वेदनाओं का ज्ञान है। और जो इसी थे, यानी जो वैज्ञानिक थे और जो उनमें श्रेष्ठ इसी थे, उनको इसी वर बोला गया। यानी इसी वरों ने ये सारी की सारी वेदनाएं इकट्ठी की जो काले लोग थे, इसलिए इसको साम वेदना या सामवेद बोलते हैं। जो आयुर् बढ़ाने वाली, यानी कि आयु जीवन को बढ़ाने वाली वेदनाएं हैं, वो सारी आयुर्वेद में आती हैं। और जो यजुर्वेद है वो बाद में बहुत ज़्यादा जो सीधे तरह से जीवन को सीधे सरल रूप में चलाने वाली हैं, यजुर्वेद के नाम से आती हैं। तो आयुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्वेद, अथर्वेद का मतलब है जिसमें अर्थ दिए हुए हैं बातों के, उनकी वेदनाएं। ये वेदनाएं जितने भी इसी थे, यानी कि जो इनके जानकारी निकालते थे बैठकर एक साथ और ध्यान देते थे कि मिर्च खाने से कैसी वेदनाएं आती हैं, पानी पीने से कैसी वेदनाएं आती हैं, गुड़ खाने से कैसी वेदनाएं आती हैं, किसी का अपमान करने से कैसी वेदनाएं आती हैं, कोई हमारा अपमान करे तो कैसी वेदनाएं आती हैं, कोई किसी का कत्ल करे तो उस समय कैसी वेदनाएं आती हैं, कत्ल जो कर रहा है बाद में वो कैसी वेदना उसके साथ महसूस करता है, बच्चा होता है तो उसकी कैसी खुशी की वेदनाएं आती हैं, बच्चा मरता है तो उसकी कैसी वेदनाएं आती हैं, किसी को किसी फसल खराब हो जाती है तो कैसी वेदनाएं आती हैं, ये सारी वेदनाओं का अध्ययन लगातार लगातार करते रहते हैं। हर मनुष्य वेदनाओं के बारे में जानता है, एहसास करता है, जब वो रोता है, हंसता है, अफसोस करता है, गाता है, झूमता है, जो भी काम करता है वो सब वेदनाओं के अधीन में करता है। इन वेदनाओं का अध्ययन बहुत बारीक लोगों ने इसी उन्हें किया, इसलिए उनको इसी पर कहा गया और वो बड़े मान्य लोग रहे हैं। ऐसे इसी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस भारत में रहे हैं। जो काले ऋषि थे उनको साम ऋषि बोला जाता था। यहाँ वेदनाओं का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो संखारा का आगे का एपिसोड आएगा जिसमें पठित समुत्पाद के बारे में बताएंगे, वो उसकी दूसरी श्रृंखला है और उसमें वेदनाओं का जिक्र आएगा। वेदना पाली भाषा के अंदर जो बुद्ध ने खोजा और जो अंतिम वेदना तक प्राप्त किया, और जब वेदना शून्य हो गई, वेदनाओं को उन्होंने बिल्कुल रुका हुआ पाया, उस स्थिति में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया, यानी सबसे हाईएस्ट नॉलेज उन्होंने प्राप्त की। हम पूरे जीवन में 24 घंटे लगातार, जब से हम पैदा होते हैं जब तक हम मरते हैं, वेदनाओं के वसीभूत रहते हैं। लगातार हमारे जीवन में वेदनाएं आती रहती हैं। हम सो रहे हैं उस समय सोने की वेदनाएं आती हैं, हमें किसी ने उठने के लिए कहा तो हमारा मन जैसी वेदनाएं देता है हमें पता चलता है। हम काम पे जाते हैं तो हमें काम वाली जो वेदनाएं हैं वो सारी हमें दिखाई देती हैं। कोई हमें बहुत अच्छा बोलता है उस समय क्या शरीर में वेदनाएं आती हैं, कोई हमें खराब बोलता है उस समय हमें क्या वेदनाएं आती हैं, वो सारी वेदनाएं हमें अनुभूति देती हैं जिससे हमारा जीवन आगे चलता है और जीवन पाप और पुण्य में बदलता है। ये वेद को जो जानते थे, यानी वेदना को जो जानते थे, उनको वेदगु बोलते थे। यानी कि वेदनाओं को जानने वाले ज्ञाता लोगों को वेदगु बोला था। बाद में वेद शब्द हटा दिया, खाली गु रह गया और गु बाद में गाली बन गया। यानी वेदगु लोगों को गु कहकर बुलाने लगे और गु से वो गाली बन गया। आपने देखा होगा निवेदक या वेदक, वेदनाओं से जो वेदक होते हैं उन्हीं से शब्द बना है निवेदक। निवेदक शब्द वेदनाओं से है, जहां भी वेद आपको मिलेगा वो वेदनाओं से संबंधित शब्द होगा। जो आपने कहा होगा कि इसको इस बात का विदित है, यानी ये वेदित है या विदित है। विदित का मतलब है कि ये इन वेदनाओं को जानता है, इनके बारे में इसको अच्छा ज्ञान है, इसलिए कहते हैं कि वो आदमी वेदित है या विदित है।
और जो वेदिका होती है उसको आसन बोलते हैं, जहां वेदना बैठ के ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको वेदिका बोलते हैं, जो व्यक्ति आसन पे बैठता है। भगवान बुद्ध के समय में जितने भी भिक्खु थे वो सारे के सारे वेदिका पर बैठते थे, यानी आसन पे बैठते थे और वेदनाओं का अध्ययन करते थे। सबसे उत्तम और सबसे अच्छा जो वेदनाओं का ज्ञान प्राप्त किया वो बुद्ध ने, या बुद्ध ने बताया और बुद्ध ने सिखाया। धन्यवाद।